शहरी क्षेत्रों में लगे 4G टावर को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने की जिला अधिकारी से मांग। लखीसराय जिले के वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद गौतम कुमार ने बताया कि जिले भर में कई अनऑथराइज्ड टावर बिना नगर परिषद के अनुमति से और बिना NOC के लगाए गए हैं, जो अवैध है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों से टावरों को हटाकर दूसरी खुले स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, और ये भी बताया कि वे घनी आबादी वाले जगहों पर टावर को खड़ा करने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने इस कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी में कुछ ना कुछ 5G टेस्टिंग का कारण है। और जब बताया गया तो सही भी बात है, शहर में बहुत जगह अनऑथराइज मोबाइल टावर खड़ा हो गया है बिना नगर परिषद से NOC लिए हुए, जो कि अवैध है। तत्काल सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और सभी अनऑथराइज मोबाइल टावर को बंद करना चाहिए। अभी 15 दिन पहले पंजाबी मोहल्ला में एक मोबाइल टावर लग रहा था, लोगों ने मुझे सूचना दिया, मैंने रुकवाया कि किसी भी सूरत में ये घनी आबादी में मोबाइल टावर नहीं लगेगा। इसके लिए चाहे बहुत बड़े बड़े पैर भी आए नगर परिषद में, लेकिन हमने अभी तक तो रोक के रखे हैं, आगे का नहीं पता। लेकिन हमने वो टावर सोच लिया है कि हम घनी आबादी के बीच वो टावर लगने नहीं देंगे। कुछ लालची लोग पैसे के लालच में अपने घर पर टावर लगवा रहे हैं और उसका परिणाम यार देख ही रहा है आप। निश्चित रूप से कोरोना में बहुत बड़ा योगदान कुछ ना कुछ ये मोबाइल टावर का है। चलिए, क्या नाम हुआ? थैंक यू। गौतम कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 16। इन जगहों पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। मोबाइल टावर के लिए सबसे पहले दूरसंचार नियमावली 2013 प्रचलन में थी। अभी हाल फिलहाल दूरसंचार नियमावली में परिवर्तन हुआ है, एक नई नियमावली जो है 2020 में हम लोग एडॉप्ट किए हैं। उसी नियमावली के अंतर्गत नगर परिषद लखीसराय को कार्य करना है। सर, पूरे इलाके में ये शोर है कि 4G टावर से पशु पक्षी मर रहे हैं और 5G का टेस्टिंग शुरू हो गया है, तो ऐसे में नगर परिषद क्या ऐसे लोगों को टावर लगाने की अनुमति देगी या हटाएगी? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी 5G टावर का टेस्टिंग तो यहाँ पे नहीं चल रहा है ना, 5G टावर जो है काम भी नहीं कर रहा है नगर परिषद क्षेत्र में, 4G ही टावर के द्वारा कार्य भी चल रहा है। तो कई अनऑथराइज टावर शहर के घनी आबादी में लगा हुआ, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? जो अनऑथराइज टावर है उनके नगर परिषद के द्वारा पावर है कि उनको सील किया जा सकता है, पेनलाइज किया जा सकता है। तो अभी तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अभी उपस्थित नहीं है, उनके आने के पश्चात हम लोगों के द्वारा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना लखीसराय से अरुण कुमार की रिपोर्ट।